अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सीकर्स। मैं सुभान और आज हम मैथ टाइप के कोर्स लेक्चर नंबर 2 में हैं। तो जैसे कि हमने ना लास्ट टाइम डाउनलोडिंग वगैरह सीख ली थी, सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंप्लीट यूजिंग मेथड। यानी कि इसके अंदर मैं आपको ना मुकम्मल तौर पर मेथड बताऊंगा कि हम किस किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने पॉइंट्स बना दिए यूजिंग के लिए। मैथ टाइप लेक्चर नंबर 2 में हमारी जो आउटलाइन होगी, तो मैं इसको आपको इकट्ठा नहीं समझाऊंगा, बल्कि इसके मैंने पार्ट्स कर दिए, 6 पार्ट्स किए हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम अरिथमेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे, थर्ड पार्ट अलजेब्रिक टर्म्स, फिर फोर्थ डेरिवेशन इंटीग्रेशन, फिर लास्ट में मैट्रिसेस है, और फिर हम टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं मैथ टाइप। यानी कि इक्वेशंस के दौरान हमें टेक्स्ट लिखना पड़ता है तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये 6 हिस्से हैं पढ़े। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैथ टाइप का आप शॉर्टकट बना लेंगे, चाहे तो वो यहाँ स्टार्ट मेन्यू से बना लें जाके, या फिर आप सिंपल यहाँ से जाएं सी में, सी से प्रोग्राम 86, और यहाँ पर आपको मैथ टाइप मिल जाएगा। यहाँ से आप कॉपी कर लें और कॉपी करके इसको डेस्कटॉप पर रख लें तो आपको यहाँ पर शॉर्टकट बन जाएगा, जिसको आप डेस्कटॉप से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा मैथ टाइप ओपन हो गया। सो सबसे पहले हम अरिथमेटिक सीखेंगे। अरिथमेटिक में सबसे बेसिक होते हैं साइंस, तो ये हमारे पास सारे साइंस आ जाते हैं यहाँ पर। ये आ गए मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी साइन लगा सकते हैं, जैसे प्लस हो गया, डिवाइड लगाना है तो ये डिवाइड हो गया, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ से आप साइन लगा सकते हैं। इन सब की शॉर्टकट कीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। इससे ये होगा कि आप इजीली तौर पर जो मेन जैसे कि हमारा मल्टीप्लाई या डिवाइड रिवाइज हो रहा है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आ गया आपका डॉट ऑपरेटर, यानी कि मल्टीप्लाई के लिए ये थोड़ा बड़ा है, अगर छोटा यूज़ करें तो ये आ गया 3, क्योंकि हम मोस्टली अगली क्लासेस में जाकर मल्टीप्लाई की जगह डॉट यूज़ करते हैं। इसी तरह से फिर फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के लिए आपके पास ये वाला बॉक्स है बड़ा, ठीक है, ये सेकंड वाला। तो यहाँ से ये डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शन है। एक ये फ्रैक्शन है, ठीक है, जैसे ये 9 और 6, और दूसरी फ्रैक्शन आप देखेंगे ये थोड़ी सी छोटी है। यानी कि जब हम बड़ी इक्वेशंस लिख रहे होते हैं तो उसके दौरान ना हमें, क्योंकि लेंथी इक्वेशंस होती हैं और बार बार उसमें बटा में बटा लगाना पड़ जाता है, जैसे कि अगर हमने यूँ 2 बटा लगाने हैं, ऊपर भी बटा हो तो बटे में बटा, यानी कि ओवर के नीचे ओवर, तो हम इस तरह से ऊपर स्मॉल लगा लेंगे ताकि हमें पता लगे कि ये ऊपर वाली जगह पर है और ये नीचे वाली जगह पर है। तो ये इसके 2 पार्ट्स हो गए। आगे इसकी डिफरेंट टाइप की जो कंडीशन हैं वो दी हुई, यानी कि अगर आप इसको अलग डिज़ाइन से यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूँ करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी डिमांड हो। सो ये फ्रैक्शंस होते हैं। ये बॉक्स यहाँ से सिलेक्ट किया, सिंपल 6, आप नीचे वाला एरो दबाएंगे तो नीचे पहुँच जाएंगे और 6। अब अगर आपने यहाँ पर प्लस लगाना है तो यहाँ पर क्लिक करके इसके आगे प्लस लगाएंगे और 3, इसके नीचे माइनस लगाना है तो -5। ये आप कीबोर्ड से भी लगा सकते हैं प्लस माइनस, या फिर यहाँ से अगर आप यहाँ से भी साइन चूज़ कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ से यूज़ नहीं होगा, 9 डिवाइड का यूज़ होगा, ठीक है, वो आपको यहीं से लगाना पड़ेगा। ये डिवाइड में आप इस तरह से लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई में स्टैरिश का साइन आएगा। सो अगर आपने सेम साइन यूज़ करना है तो आप यहाँ से आकर यू मल्टीप्लाई लगाएंगे 3, और नीचे अगर लगाना है डिवाइड फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ से आगे ये डिवाइड 2। ये सिंपल इक्वेशन होगी। लेकिन अगर हमने 2 को प्लस करना है, यानी कि 2 ओवर्स यानी कि बटा को हमने प्लस करना है, तो आप यहाँ सिंपल आकर 1 बटा चूज़ करें, 6/2। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप हैं ना तो आपने नेक्स्ट राइट साइड का एरो की प्रेस करनी है। पहले आप यहाँ बाहर निकलेंगे, जैसे ये देख लें ये फुल बन के आ रही हूँ, इसका मतलब है कि अब इस इक्वेशन के आगे आप साइन लगा रहे हैं, तो आप साइन लगाएं। इस तरह से आप यहाँ पर साइन लगा सकते हैं बाहर। अगर आप यहाँ लगाएंगे इधर ऊपर तो ये इसके सामने लगेगा, बटा में ही लगेगा। अगर इधर लगाएंगे तो ये इधर लगेगा। अगर आपने बाहर निकल कर लगाना है तो आप यूँ क्लिक करेंगे राइट साइड की एरो की, और यहाँ पर आप अपना जो साइन लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। जैसे कि हमारी सिंपल इक्वेशन है, ओवर में हम लिख लेते हैं 3/9, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो यहाँ से आगे मल्टीप्लाई, फिर से 1/ तो 5/1। ये एक इजी मेथड हो गया। तो जब भी आपने यहाँ पर कोई साइन लगाना है तो पहले यहाँ से, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप नीचे लिख रहे हैं तो यहाँ से राइट साइड के एरो की प्रेस कर यहाँ पर आपने साइन लगाना है, फिर आगे बटा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती हैं जी ब्रैकेट्स, यानी कि साइंस हो गए और फ्रैक्शंस हो गए अरिथमेटिक में, उसके बाद आती है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के लिए आपके पास ये एक कॉलम है, बड़ा बहुत सारी ब्रैकेट्स हैं जिस तरह की आपको चाहिए, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ होती हैं, अच्छा मैट्रिसेस में भी यूज़ होती हैं, हमें अपने आंसर्स वगैरह सबसेट्स सेट्स लिखने में भी यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर हर तरह की आपको ब्रैकेट मिल जाएगी।
ठीक है, ओवर ब्रैकेट, अंडर ब्रैकेट। अब हमारे पास जो बेसिक्स तीन ब्रैकेट हैं, ये तीन हैं, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट और ब्रेसिस। ठीक है, तो इन तीनों को यूज़ करने के लिए आप यहाँ से भी आकर यूज़ कर सकते हैं, ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। तो नहीं तो यहाँ पर आपके पास ये शॉर्टकट में भी तीनों बताई गई हैं, यहाँ पर आपके पास ये फ्रैक्शन शॉर्टकट में भी है। तो अगर आप वहाँ से जाकर नहीं भी करना चाहते, थोड़ा टाइम लगता, तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा वहाँ पे, जैसे ये। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास ये तीन ब्रेसिस भी यहाँ पर बताई गई हैं, नहीं तो यहाँ से लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर नाइन, ये ब्रेसिस में आ जाएगा, 9 + 2। अब वैसे तो हम कीबोर्ड से भी लगा सकते हैं, जैसे शिफ्ट 9 और शिफ्ट 0, ये ब्रेसिस भी लगा सकते हैं। बट इसमें और उसमें ये फ़र्क है बड़ा, कि जब आप यहाँ पर फ्रैक्शन लगाते हैं, जैसे मैंने ये फ्रैक्शन लगाई तो ब्रेसिस खुद ब खुद बड़ी हो गई है, लेकिन जब आप इसमें फ्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है, जैसे कि ये फ्रैक्शन लग गई, तो देखें ब्रैकेट उतनी की उतनी ही है। तो ये एक फ़ायदा होता है कि अगर आप यहाँ ये वाली ब्रैकेट्स लगाते हैं यहाँ से आकर, तो वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती हैं, जिस तरह से भी आपने उसको एडजस्ट करना होता है। जबकि जो आप अपने कीबोर्ड से लगाते हैं, जैसे कि ये वाली मैं लगा रहा हूँ कीबोर्ड से, तो ये एडजस्ट नहीं होती, उतनी की उतनी ही रहती है। ठीक है, इसी तरह से हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं सिंपल सी, ब्रैकेट साइंस और फ्रैक्शंस को मिला आगे। तो जैसे ये आगे स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर हम एक फ्रैक्शन ऐड कर लेते हैं, यहाँ से आप फ्रैक्शन ऐड कर लें, 9/3 साइन हम लगा लेते हैं जी, प्लस इसी के बाद फिर से फ्रैक्शन लिख लेते हैं 2/1। अब हमने इसके गिर्द ब्रैकेट लगानी है, अगर आप पहले ब्रैकेट लगाना भूल गए हैं तो फिर इसको सिलेक्ट कर लें सारे को, और इसके ऊपर जाकर यूँ ब्रैकेट लगा दे, तो अब इस पूरे के ऊपर ब्रैकेट आ जाएगी। ये एक सिंपल मेथड है, अगर बात होगा तो आप कुछ भूल जाते हैं किसी भी जगह पर लगाना, तो आप उसके गिर्द उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ उसके अंदर आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने एक और फ्रैक्शन ऐड करनी है, तो ये फ्रैक्शन आ गई 9/3, और यहाँ पर हम डिवाइड, अगर राइट एरो की प्रेस करेंगे और ये मल्टीप्लाई का साइन। अब हमने इसके गिर्द सबसे बड़ी ब्रैकेट लगानी है, तो यहाँ से आएंगे, ये ब्रैकेट लगाई, अब देखें वो उसके इन दोनों के गिर्द आ गई है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे वो चीज़ उसके गिर्द ऐड हो जाएगी, लाजमी नहीं कि आप पहले ही सारे साइंस लगाएं ये ब्रैकेट्स लगाएं। अगर आप नहीं लगा पा रहे, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप अपनी पहली ब्रैकेट लिख रहे हैं उसको सिलेक्ट करें, फिर दूसरी ब्रैकेट जाके लगाएं, फिर सिलेक्ट करें, फिर तीसरी ब्रैकेट। अब यहाँ पर भी हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं 6/3, और यहाँ पर हम डिवाइड का साइन लगा लेते हैं। सो ये हमारी एक सिंपल सा अरिथमेटिक इक्वेशन पूरी हो गई। इसके बाद अगर बार्स वगैरह लगाने, तो आपको यहाँ से बार्स वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे ये लगे हुए हैं और ये बार लगा हुआ है। अब देखें हम बार लगाना भूल गए, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर बार आ जाए, ये यहाँ पर हम एक और फ्रैक्शन ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर क्लिक करेंगे माइनस, ये आ जाएगा हमारी फ्रैक्शन 2/3। अब हम इन दोनों के ऊपर बार लगाना चाहते हैं, सिर्फ इन दोनों के ऊपर, तो इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ आकर ये बार वाला ऑप्शन है, जिस तरह का मर्जी आपको बार चाहिए, ये वेक्टर बार्स हैं बड़े सारे, तो जो बार आपको चाहिए वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं ये वेंकिलियम ब्रैकेट हम इसको कहते होते हैं, बाद हमें ऊपर लगानी पड़ती है, तो यहाँ से आप सिंपल अगर कोई भी साइन या कुछ भी आप लगाना भूल गए हैं, तो आप उस चीज़ को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद वहाँ से जो ऑप्शन आपने लगाना है वो लगा लें। तो ये हमारे इक्वेशन बन गई है। हमारा फर्स्ट पार्ट जो था, जैसे कि मैंने बताया था अरिथमेटिक ऑपरेशन वाला, तो वो हमारा मुकम्मल हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसके लिए आपको मैं लास्ट में एक्सरसाइजेस बता दूंगा, वो एक्सरसाइज आप परफॉर्म करेंगे उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं आपको लिख के दे दूंगा पेज के ऊपर, आप उनको लिखेंगे जब, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। दूसरी हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, यानी पावर, इसके अंदर अंडर रूट्स भी आ जाते हैं और पावर्स भी आ जाती हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं। ये हमारा आ गया पावर के लिए, इसमें हमारी पावर कई टाइप की है, ऊपर सिंपल पावर, बेस में पावर, पावर ऊपर और नीचे बेस में पावर, साइड वन साइडेड पावर आ गई, ये नीचे आ गई। तो इस तरह से हमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है उस तरह से इधर सब कुछ बताया गया, ठीक है। लिमिट के लिए यहाँ पर ये देख लें, जैसे कि हम लिमिट में पावर यूज़ करते हैं, नीचे बेस में ये आ गया, हम सिग्मा के ऊपर नीचे पावर यूज़ करते हैं, तो इस तरह से आपको सारी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर हम सिंपल एक नंबर लिखते हैं 2, इसके ऊपर अगर हम पावर लगाना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेथड होता है कि आप नंबर लिखकर ऊपर लिखेंगे तो ये 2 की पावर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से प्लस, अब देखें अगर आप यहाँ पर पावर लिखते हैं 2, उसके बाद अगर आप प्लस दबाएंगे तो वो 2 पावर में ही प्लस लिखा जाए, तो आपने कैसे करना, मैंने अभी बताया कि आप राइट साइड का एरो की प्रेस करेंगे वो बाहर आ जाएगा, वहाँ पर आप प्लस लिखेंगे तो अब ये पावर से आउटसाइड रियल लाइन के ऊपर आ जाएगा। फिर से हम कोई नंबर लिखते हैं 9, अब इसकी पावर लिखते हैं 6, फिर हम राइट एरो की प्रेस करेंगे तो जिससे क्या होगा कि बाहर की तरफ आ जाएगा। अब हम यहाँ साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का लगाना तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई का साइन लगा लें 2, अब यहाँ से फिर से पावर 5, 6।
इसी तरह से हम नीचे भी पावर लिख सकते हैं, ये नीचे वाली है अपनी, ठीक है। सबसे पहले आप एक नंबर लिख लेंगे 6 और ये नीचे पावर, जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ती है नंबर सिस्टम के अंदर लिखते हुए, या फिर हमें फार्मूलाज वगैरह लिखने पड़ते हैं उनके अंदर, या फिर आगे जाके जब हम लिख रहे होते हैं इक्वेशंस वगैरह, लिमिट्स वगैरह, या फिर लिमिट्स वगैरह लिख रहे होते हैं, या फिर इस तरह कुछ भी लिख रहे होते हैं, तो उस टाइम पर हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से आप पावर्स लिख सकते हो। उसके अलावा हमारे ये अंडर रूट के लिए आ गए हैं, इसके नीचे यहाँ पर ये अंडर रूट बताए गए हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है। ये डिवाइड, लॉन्ग डिवाइड के लिए अंडर रूट है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल कोई कर रहे हैं पावर्स वगैरह लिख रहे हैं, तो ये आपकी जो, जैसे हम डिवीजन लिखते होते हैं बच्चों का क्वेश्चन लिखते हैं, तो ये वो डिवीजन आ जाएगी, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो ये सॉल्यूशन के लिए डिवीजन लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर वो आ जाएगा और यहाँ ऊपर उसका सॉल्यूशन जो भी आप लिख रहे हैं वो आ जाएगा। इसके अलावा हमारा जो सबसे मेन होता है वो होता है अंडर रूट। ये आ गया अंडर रूट, सिंपल अंडर रूट, यानी कि 2 वाला अंडर रूट हो गया 6। अगर आपने इसे बाहर, सबसे पहले मैं बार बार बता रहा हूँ 6, 5, + 3, तो ये अंडर रूट के नीचे ही आएगा। अगर आपने इसे बाहर लिखना है तो राइट एरो की प्रेस करेंगे, अब आप बाहर आ गए, अब यहाँ पर लिखेंगे तो वो अंडर रूट से बाहर लिखा जाएगा। इसी तरह से इस साइड पर लिखना तो इस साइड पर क्लिक कर लें और ये यूँ लिखा जाएगा। हमें अगर ऐसा होता कि सिंपल 2 वाली पावर की नीड नहीं होती, मतलब अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट की जरूरत होती, तो ये उसके साथ ही बताया गया क्यूब रूट। यहाँ पर आप जो पावर लेना चाहते हैं रूट की वो लेंगे और यहाँ पर आप अपना नंबर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे दो बॉक्सेस हैं जो पावर और एक्सपोनेंट के लिए यूज़ होते हैं, और इनको आप प्रैक्टिस करेंगे आपको लास्ट में इसकी भी एक्सरसाइज मिल जाएगी। अच्छा जी, सो आपको ये सारी, इसकी भी मैं आपको दे दूंगा एक्सरसाइज, आप उसको परफॉर्म करेंगे तो उससे आपकी ये प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। सिंपल ये है कि ये दो बॉक्सेस हैं पावर के लिए, लास्ट में हमने पढ़ा था। अब देखें, अब हम दोनों चीज़ों को ऐड कर लेते हैं एक इक्वेशन के अंदर, यानी कि पावर्स और फ्रैक्शन वगैरह हमने जैसे लिखी थी, तो ये हमारी आ गई फ्रैक्शन 2/3। अब हमने इसके साथ पावर भी लिखनी, तो यहीं से आएंगे, ये सिंपल ऊपर पावर लिखेंगे 6, नीचे आएंगे इसके साथ भी पावर वाला क्लिक करेंगे और यहाँ लिख लेंगे 8, तो हमारी ये फ्रैक्शन पावर में आ जाएगी। इसी तरह अंडर रूट है, अगर आप अंडर रूट में पावर लिखना चाहते हैं, ठीक है, ये हमारा आ गया अंडर रूट। इसके अंदर अगर हमने फ्रैक्शन लिखने तो फ्रैक्शन के अंदर अब अगर आपने पावर वाले नंबर लिखने तो 6/3/5, अगर इसके आगे +2 जैसे आप करना चाहते हैं, तो ये दोनों को ऐड हो गए, यानी कि हमारी जो पावर और फ्रैक्शंस को मैंने ऐड कर दिया। इसी तरह ब्रैकेट्स अगर लगानी है, अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट, उसके अंदर फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन आगे 8/3/9, इसके आगे हमने ब्रैकेट लगानी है, प्लस ब्रैकेट लगाएं, फिर इसके अंदर अगर आपने सिंपल फ्रैक्शन लिखनी है तो सिंपल फ्रैक्शन लिख लें 2/3, इसके 3 के ऊपर हम कोई पावर लगाना चाहते तो पावर आ जाएगी। इसी तरह से आगे हमने माइनस, हमने कोई और नंबर लिखना है तो आप वो नंबर लिख सकते हैं, और इस तरह से आप इन दोनों तीनों चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगी, आप उनको परफॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा ये दो हिस्से पूरे हो गए, यानी कि फर्स्ट अरिथमेटिक इक्वेशन मैंने समझा दी, यानी कि उसके अंदर हमारा क्या क्या आता है पढ़ा। सबसे पहले हमारा आता है जी ब्रैकेट्स, साइंस और फ्रैक्शन, फिर दूसरा हमने पावर अंडर रूट पढ़ लिया, फिर हमने इन दोनों को मिक्स करके भी पढ़ लिया। अब हमारे अल्जेब्रिक टर्म्स, यानी कि जो हम अल्जेब्रा वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसको भी सेम इसी तरह से मेथड होता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक्स लिखना है, सो एक्स हम सिंपल कीबोर्ड से लिख सकते हैं, इसके ऊपर अगर आपने कोई पावर लगानी है तो यहाँ से आप पावर लिख लेंगे x² + 2xy + y, और यहाँ से आकर पावर सिंपल स्केयर में, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा एक तरह से। इसी तरह से अगर आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, जैसे कि हम पावर नॉर्मली ब्रैकेट्स में, ये आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन, यहाँ आ जाएगा 8/b, बाहर हमने इसके ऊपर स्केयर लगाना है। अब मैंने आपको बताया स्केयर लगाने का सिंपल मेथड ये है कि आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अभी इसके ऊपर स्केयर लगेगा, अगर आप यहाँ अंदर क्लिक करेंगे, यानी कि यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो ये पावर इधर आएगी, ठीक है। तो यही ध्यान रखना कि आप कहाँ पावर लगाना चाहते हैं, अगर ए के ऊपर पावर लगाना चाहते तो ए के आगे क्लिक करें, वहाँ पर पावर लगा लें 3, नीचे बी के साथ पावर लगाने तो उसके सामने लाएं और उसके आगे पावर लगा लें 2। तो ये अलजेब्रिक टर्म्स वगैरह आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक नॉर्मल से हम फ्रैक्शन में ना मुकम्मल एक इक्वेशन लिख कर देख लेते हैं। ये आ गई फ्रैक्शन, सबसे पहले हमने लिखना है ए स्क्वायर, लिखना था ऊपर ये पावर स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी और ये ऊपर स्क्वायर, नीचे हम लिखना चाहते हैं क्यूब का फार्मूला। तो यहाँ पर अब हम ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, तो ब्रैकेट के लिए मैंने आप जो मेरी तरफ से है आपको यही ब्रैकेट्स यूज़ करें, यहाँ से कीबोर्ड वाले यूज़ ना करें, क्योंकि अगर हमने एडजस्ट
करना मुश्किल हो जाता है। सो हम लिखते हैं ए प्लस बी, अब फिर से ब्रैकेट लगाने, तो यहाँ से ब्रैकेट ए स्क्वायर, तो यहाँ से पावर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे एक सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी, अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक इक्वेशन कहें। इसी तरह से अलजेब्रिक इक्वेशन को आप ब्रैकेट्स में यूज़ करना चाहते हैं तो ये ब्रैकेट्स आ जाएंगी, अंडर रूट में मैंने आपको यूज़ करके बता दिया, स्केयर रूट के अंदर करना है तो ये सिंपल आप स्केयर रूट लिखेंगे। इसके अंदर जो अलजेब्रिक इक्वेशन लिखना है, एक्स प्लस टू वाई, टू वाई प्लस थ्री वाई का स्केयर। अब नॉर्मली हम जो जब ट्रिग्नो वो यूज़ कर रहे होते हैं इंटीग्रेशन वगैरह, अब जब आप यहाँ पर इंटर करेंगे ना तो आपको बिल्कुल अंडर रूट के नीचे ही आंसर आएगा। जैसे कि हम ना वो स्केयर रूट फाइंड कर रहे होते हैं छोटी क्लासेस के लिए, अगर आप कोई पेपर वगैरह या सोल्यूशन पैटर्न बना रहे हैं तो वहाँ पर हमने स्केयर वगैरह फाइंड करके उनको सोल्यूशन देना होता है, तो आप सिंपल यहाँ पर जब हैं आप इसके अंदर ही जब इंटर दबाएंगे तो आप इसके नीचे आ जाएंगे। अब हमने ना कैंसिल करना, तो एक्स माइनस टू वाई ये आ जाएगा, तो यहाँ पर आप इंटर करेंगे तो फिर इसके नीचे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे ये प्लस थ्री वाई बच जाएगा, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस थ्री वाई स्क्वायर, तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने कोई ब्रैकेट लगानी है नीचे नीचे लगानी है तो यहाँ से आपको नीचे लगाने के लिए लाइन्स मिल जाएगी, यहाँ से ये आगे इसके नीचे लाइन, जैसे कि हम सोल्यूशन में लिखते होते हैं वैसे ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसको हल करने के लिए मेथड आपको पता लग जाएगा, ये पावर्स वगैरह को करने के लिए। अच्छा, इसी तरह से ना हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमारा जब ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन वगैरह चल रहे होते हैं, खासतौर पर फिजिक्स के न्यूमेरिकल चल रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम ना एक्स वन एक्स टू लिखते हैं, तो ये एक्स आ जाएगा, यहीं से आप बेस वाली पावर चूज करके एक्स वन प्लस, अब प्लस चूज करेंगे तो ये बेस में आएगा, बल्कि राइट एरो की प्लस करनी है, प्लस एक्स की पावर एक्स की बेस टू। तो इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू नाइन। ठीक है, इसी तरह से दूसरा अगर कोई है बड़ा एक्स, 2x की पावर 2x 1, 2x इंटू द बेस ऑफ 1, 2 राइट एरो की प्लस 6x की बेस 2 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, इनके आगे सॉल्यूशंस भी आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो हमारे थ्री टर्म्स पूरे हो गए, अरिथमेटिक, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक, तीनों के मैंने मेथड्स आपको बता दिए हैं यहाँ तक, इनकी एक्सरसाइज मैं आपको दे दूंगा, उनको आप सॉल्व करेंगे जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको याद रखने में। नेक्स्ट जो हमारा है पढ़ा, नेक्स्ट हमारा है पढ़ा डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन। ये तो मेन है पढ़ा, क्योंकि मैथ की सबसे ज़्यादा जो आगे हमें जहाँ यूज़ पढ़नी है वो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन ही है। तो इसके अंदर सबसे जो बेसिक बेसिक चीज़ आती है वो हमारी आती होती है लिमिट। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, लिमिट। ये एक लिमिट उन्होंने पहले ही दी हुई होती है, ये आपके पास बॉक्सेज हैं, अलजेब्रा का बॉक्स ये है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का बॉक्स ये है, स्टैटिस्टिक्स का बॉक्स ये है, मैथमेटिक्स का ये है, और मैट्रिसेस का ये है, सेट्स, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, ये सारे आपके पास छः बॉक्स हैं। अगर आप कोई अपनी तरफ से घर में बना कर रखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी अलजेब्रिक टर्म, जैसे कि हमने फॉर्मूला लिखा है, तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपने जो चेंजिंग्स करनी है वहाँ से आप चेंजिंग्स भी कर सकते हैं शॉर्टकट्स के अंदर। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास एक लिमिट है, अगर आप ये डायरेक्ट लिमिट यूज़ करते हैं, एक्स अप्रोचेज टू जीरो, एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पहले लिखा हुआ, अगर आपने इन्फिनिटी वैसे यूज़ करना है तो यहाँ पर आपको ये ब्लॉक्स आ जाएंगे, यहाँ से आप जो साइन चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे जो मेन मेन साइन है, जैसे थीटा हो गया, इन्फिनिटी हो गया, इनके सबके ना मैं शॉर्टकट्स आपको बता दूंगा जिसको यूज़ करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये दो तीन हमारे पास ये बॉक्सेज हैं बड़े तीन, जिसके अंदर हमारे मुख्तलिफ किस्म के साइन है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये थीटा आ जाएगा, ठीक है, फाई थीटा, ठीक है, नॉट गैमा वगैरह, ये सारे साइन यहाँ पर, अल्फा बीटा, और ये हमारे पास कैपिटल ग्रीक लेटर्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। एक्स अप्रोचेज टू एक्स टू भी आप लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स, जैसे कि हमने लिखना सीखा है, यहाँ पर लिखेंगे आप एक्स एरो के सामने एक्स, इधर से आएंगे लिखेंगे बेस और ये आ जाएगी टू। सो एक्स अप्रोचेज टू एक्स टू इज इक्वल टू, तो यहाँ से भी आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ आए सिंपल, ये मैंने आपको बताया था लिमिट के लिए, यहाँ लिखे ऊपर लिमिट इधर। अब देखें, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ, लिमिट यहाँ पर लिखेंगे एक्स, ये आपके पास एरो आ गया अप्रोचेज टू जीरो, आप डायरेक्ट खुद भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपके पास यहाँ लिखा हुआ भी है, आप ये भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क ये कि ये थोड़ा कैपिटल है, ये थोड़ा शॉर्ट है, तो कैपिटल और शॉर्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पर भी मौजूद है, ये एक शॉर्ट मेथड है लिखने का, बिल्कुल सेम इसकी तरह। अगर थोड़ा सा कैपिटल लिखना है तो ये नीचे वाले कैपिटल है। इस तरह पावर्स में भी अगर आपने शॉर्ट पावर्स लिखनी है तो ये ऊपर वाली हैं, कैपिटल पावर्स लिखनी, जैसे कि ये आ गई तो टू की पावर ये ऊपर आ जाएगी टू। इसी तरह से अगर आपने इसी के सामने शॉर्ट पावर लिख कर देखेंगे तो वो उससे थोड़ी सी शॉर्ट होगी, राइट एरो की प्रेस करेंगे टू, और यहाँ पर हम पावर लगाएंगे तो टू। अब देख लें इन दोनों नंबर्स के दरमियान फ़र्क है,
तो इनके जो ऊपर वाले ये 6 बॉक्सेज हैं ये स्मॉल स्मॉल हैं, जो नीचे वाले बॉक्सेज हैं ये थोड़े लार्ज करके लिखने के लिए नंबर्स को, अगर आपने कहीं पर लार्ज यूज़ करना है तो। इस तरह से डेरिवेटिव के लिए हमारे पहले कुछ डेरिवेटिव दे दी हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, पार्शल डेरिवेटिव और पार्शल डेरिवेटिव एक्स, डेरिवेटिव टू, ठीक है, और ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये सब कुछ हमें यहाँ पर दिया गया। अगर आप खुद भी लिखना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ से चूज़ करें फ्रैक्शन, यहाँ लिखें डी वाई ओवर डी एक्स। अगर आपने इसको मैनेज किया डी वाई स्केयर ओवर डी टू एक्स, तो यहाँ से हम पावर यूज़ करेंगे स्केयर, और नीचे आ जाएंगे यहाँ पर भी पावर यूज़ करेंगे डी टू एक्स। अगर आप कोई और पावर यूज़ करना चाहते हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये गैमा ये डेल्टा के साइंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे, वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर आपने खुद लिखने हो तो। वैसे तो बेसिक ये है कि अगर आपके पास नहीं है टाइम तो यहाँ से आप डायरेक्ट ही यूज़ कर लें, तो आपको ईजी हो जाएगी, थोड़ा काम फास्ट हो जाएगा। ये जैसे आपके पास डेल्टा का साइन यहाँ पर मौजूद है, थीटा का है, पाई का, कुछ साइन यहाँ उन्होंने शॉर्टकट में दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये डेरिवेटिव हो गई। इसके बाद ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गई। इंटीग्रेशन के बहुत से साइंस यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसा आप यूज़ करना चाहते हैं। मोस्टली तो ये फर्स्ट 3-4 ही यूज़ कर होते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये ऊपर नीचे पावर्स टाइप जो होती है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ आ गया एक्स की पावर, यहाँ से पावर ले एक्स की पावर 2+3 वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ अगर आप लिखना चाहते हैं, यहाँ से आप स्टार्टिंग और एंडिंग बता दें, यूँ आप एरो की से इनके अंदर एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि ऊपर वाली एरो की दबाएंगे यहाँ आ जाएगा, फिर ऊपर दबाएंगे यहाँ आ जाएगा, नीचे वाली यहाँ आ जाएगा, 6 अगर सामने वाली करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, 3x, ठीक है। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास और ज़्यादा है बड़ी, ये आ गई इसमें, अब ये बाहर आ रही है, उसके ऊपर आ रही है सेम, तो ये आपको पता है, आप जब यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पर पता लग जाएगा हमने कौन सा यूज़ करना है। सिंपल बेस के अंदर यूज़ करना है, सिंपल अगर आपने बाहर की तरफ यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आप इंटीग्रेशन भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। इनकी भी मैं आपको इक्वेशंस बता दूंगा, आप उन इक्वेशंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छे से ये भी हो जाएगा प्रैक्टिस। उसके बाद आ जाते हैं मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स लिखने के लिए ना मेन तो ये है कि आपका कुछ मैट्रिक्स तो बताया गया होता है। जैसे ये मैट्रिक्स दबाएंगे तो यहाँ पर आपको ए 2x2 का एक मैट्रिक्स दिया गया है, ये 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया गया है, ये अगर आपको वैसे यूज़ करने हैं एरोज़ वगैरह के साथ तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इस तरह करके हमें ये सारे मैट्रिक्स दे दिए गए हैं। तो इनके अंदर चेंजिंग कर लें, जैसे कि ए है पड़ा तो यहाँ पर क्लिक करें, जो लिखना है जैसे 3 है राइट एरो, ये कैंसिल करें, यहाँ पर 5 है, ठीक है, यूँ कर लें, या फिर इसी को चूज़ कर लें, यहाँ पर जो चेंजिंग्स करनी है वो ईजी हो जाएंगे, 6, 3, 5 एंड ये। अगर आपने अपना मैट्रिक्स बनाना है तो यहाँ से जैसा भी आपको मैट्रिक्स, जैसे कि राउंड ब्रैकेट, अगर इस तरह की ब्रैकेट यूज़ करनी है तो इस तरह की ब्रैकेट यूज़ कर लें, अगर पैरेंथेसिस यूज़ करनी है तो पैरेंथेसिस यूज़ कर लें। यहाँ पर आपको ये रोज़ और कॉलम दिए गए हैं, ये वाला ब्लॉक, तो यहाँ से अगर आप जब क्लिक करेंगे आपको 2 रोज़ चाहिए तो यहाँ क्लिक करेंगे तो 2 रोज़ बन जाएंगे। अच्छा जी, अगर आपको फॉर एग्जांपल 2 रोज़ की जगह ना कॉलम चाहिए तो ये आपको 3 कॉलम मिल जाएंगे, अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो बढ़ते जाएंगे, इंटर दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, इसके आगे अगर आपको कॉलम चाहिए तो ये देख लें, ठीक है। तो इस तरह करके आप कर सकते हैं। इधर राउंड के अंदर, क्योंकि हम जो लिखते हैं नॉर्मली राउंड के अंदर लिखते हैं, यहाँ से राउंड में आ जाएंगे, 2x2 का बनाना तो ये 2x2 का आ जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह से अगर आपने 3x3 का बनाना तो हमारे भाई ये देख लें, ये आ जाएगा 3x3 का, 4x4 का बनाना, 5x5, 4x4, तो कुछ आपको उन्होंने दिए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता कि हमें कितने बाय कितने का चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पर जब क्लिक करेंगे ये लास्ट वाले ऑप्शंस के ऊपर, तो यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक आ जाएगा जिसके अंदर आप अपने रोज़ और कॉलम बताए, जैसे कि 2x5 का मैंने बताना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ओके, तो मेरे पास ये 2x5 का एक कॉलम बन के आ जाएगा, मैट्रिक्स, सॉरी, ये मैंने ब्रैकेट लगाई, यहाँ आया, यहाँ पर मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो मुझसे रोज़ और कॉलम पूछेगा, मैं लिख देता हूँ 6 रोज़ चाहिए, 8 कॉलम्स चाहिए। अब ये देख लें, वो आगे बहुत सी चीज़ें बता रहा है, इक्वल रो हाइट्स, रो हाइट इक्वल होनी चाहिए, यानी कि जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं बीएस के आगे तो हमें डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन है, कॉलम अलाइनमेंट लेफ्ट होनी चाहिए, सेंटर राइट इक्वल, ये वो, तो जैसे भी है ओके करेंगे तो ये हमारे पास आ गया वो मैट्रिक्स बनकर। तो इस तरह से आप मैट्रिसेस की जितनी मर्जी टाइप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। डिटरमिनेंट लेना, जैसे कि ए है तो ए का डिटरमिनेंट लेना, तो यहाँ से हम आके पहले ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ये लिख दिया ए का मॉड, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू,
यहाँ सेम यही ब्रैकेट दोबारा से चूज़ करें, यहाँ पर आप जो मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं 2x2 का बनाना चाहते हैं तो ये 2x2 का मैट्रिक्स आ गया। यहाँ से आप अपना सिंपल जो भी है वो लिख सकते हैं 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये आपका डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिक्स लिखने का मेथड आ गया। इस तरह से फार्मूलाज वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हैं वो इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है बड़ा, आपको आगे अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बनाते हुए जो एक्सरसाइज मिलेंगे उनको लाजमी सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे हो जाए। इस तरह से लास्ट हमारा जो है बड़ा इशू, जो लास्ट पॉइंट मैंने कहा था कि हाउ 6 वी विल लर्न राइट टेक्स्ट इन मैट टाइप, यानी कि जैसे कि हमने लिखना होता है हैंस वी प्रूव्ड या इस तरह करके टेक्स्ट लिखना होता है तो वो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से आपको ये स्टाइल मिल जाते हैं काफ़ी सारे, फंक्शन लिखने के लिए कोई स्टाइल है, टेक्स्ट लिखने के लिए मैथ वेरिएबल्स ग्रीक सैम्बल। तो जब आप इन पर क्लिक करते हैं तो आपका खुद ब खुद कीबोर्ड उसकी तरफ कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आप मैं अब लिखूँगा कोई भी स्पेस देने की कोशिश करूँगा तो आपको एक आवाज़ आती होगी, ठीक है, तो वो नहीं स्पेस दी जाती। तो आप सिंपल यहाँ स्टाइल आएंगे, टेक्स्ट लिखेंगे और टेक्स्ट के बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं प्रूव्ड, तो उसमें खुद ब खुद स्पेस आ जाएगी और ये स्ट्रेट लिखा जाएगा। अब देखें जब भी आप कोई वेरिएबल लिखेंगे, अब जब हम लिख रहे हैं तो एक्स ऐसे लिखा जाएगा, ये टेक्स्ट में लिखा जाएगा एक्स। जब मैं यहाँ जाऊँगा स्टाइल के अंदर और मैं मैथ चूज़ करूँगा, अब जब मैं एक्स लिखूँगा तो एक्स अटैलिक लिखा जाएगा, ठीक है। ये वेरिएबल और हमारा सिंपल जो टेक्स्ट होता है उसमें फ़र्क है। जब भी आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा तो वो स्ट्रेट में लिखा जाएगा, लेकिन जब भी आप कोई वेरिएबल लिखेंगे वो ऐसे लिखे। जैसे मैंने लिमिट लिखी थी तो एल आई यहाँ तक देख लें, ये अटैलिक है, यानी कि वो इसको अभी वेरिएबल कंसिडर कर रहा है। जैसे मैं एम दबाऊंगा ये स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है ये लिमिट एक वर्ड है। इतना साइन लिखता हूँ एस आई ए अटैलिक है, जैसे मैं एन लिखूंगा तो ये इस तरह हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपके पास ये प्रॉपर ब्लॉक दिया हुआ है, यहाँ से आप सब कुछ चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये सैम्पल्स वगैरह यहाँ पर हैं उनको भी आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। ये पाई थीटा ये सारे साइंस ऊपर दिए हुए हैं, नहीं तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपको उसकी भी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। सेट्स के लिए आपके पास ये यूनियन इंटरसेक्शन दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा ब्रैकेट्स ही होती हैं सेट के, जैसे कि ए यूनियन बी लिखना है तो ए यहाँ हम लिख लेंगे ए, उसके बाद यहाँ से आगे यूनियन और ये बी इज इक्वल टू, अगर बी के ऊपर कम्प्लीमेंट लगाएं तो सिंपल यहाँ से आपको कम्प्लीमेंट का साइन भी मिल जाएगा, नहीं तो आप पावर लगाएं, पावर के बाद ऊपर एक कॉमा या जो भी लगाना है वो लगा दें तो कम्प्लीमेंट, या सी लगा दें, सी फॉर कम्प्लीमेंट भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप सेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को इशू आ रहा हो तो वो पूछ लेगा। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज एक बता देता हूँ, वो एक्सरसाइज आप परफॉर्म करेंगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगी इसको याद रखने में। शुक्रिया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी को कोई इशू हो तो वो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं आपकी हर तरह की हेल्प की जाएगी, ठीक है। मेरा नाम सुभान है, सो आप अपना नेम लिखकर मुझे मैसेज कर दें, आपको हमारे कुछ ग्रुप्स हैं बड़े, आपको उनमें ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें नेक्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी खासतौर पर कुछ लेक्चर्स की प्रिपरेशन की जाती है, जैसे कि मैथ 401 की और इस तरह काफ़ी सारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट, CS के कुछ सब्जेक्ट्स हैं बड़े। तो हमारे साथ जुड़े रहें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।